देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। खैराबाद के अच्छे लोगों, दो लाइन पढ़ने आया हूं फिरोजाबाद से खैराबाद तक, पेश करता हूं आप सबको, शरीक करता हूं, मैं चला जाऊंगा लेकिन इंशाल्लाह मेरे दो मिसरे आपको याद रहेंगे। पेश करता हूं, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। अरे क्या कहने आशिम भाई, वाह 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 वाह। ये दुआएं दीजिए, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा पैगाम जनाब हाशिम फिरोजाबादी ने। बच्चों बैठ जाए, रक्स करने की बात नहीं है, झूमने की बात नहीं है, जो बात कही गई है सोचने का मकाम है, सोचने का मकाम है। दुआएं दीजिएगा शायर को। जिंदाबाद हाशिम भाई, अल्लाह सलामत रखे। एक बार दोनों हाथ खड़े करके जोरदार तालियां बजाकर मुझे हुक्म दे। क्या कहने शेरों को जगाने आज आया हूँ, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। मैं किसी दूसरे मजहब को बुरा नहीं कह रहा, अपनी बात रख रहा हूँ। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। तारीख तुम्हारी में तुम्हें बताने आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने हाशिम। वाह 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 वाह। खैराबाद के अच्छे लोगों।